होगा जिसके अंदर तमाम वो चीजें होंगी विच आर रिक्वायर्ड फॉर एनी ऑफेंसिव ऑपरेशंस। तो इंडिया ने इसका साइज भी कम कर दिया फौज का। अब जब फौज का साइज कम किया तो इसका मतलब है कि उनकी फौज एजाइल हो जाएगी और बड़े क्विक एंड स्विफ्ट तरीके से ऑपरेशन करने की कोशिश करेगी। और इंटरेस्टिंगली इट वुड रिमेन अंडर द न्यूक्लियर रेड लाइंस ऑफ पाकिस्तान, यानी कि इतनी बड़ी फौज से वो ना लाहौर पकड़ सकते हैं, ना सियालकोट पकड़ सकते हैं, ना कोई और बड़ा शहर पकड़ सकते हैं। तो कर कह सकते हैं वो हमें नुकसान जरूर पहुंचा सकते हैं थोड़ा बहुत। तो उसको काउंटर करने के लिए यू नीड टू कम अप विद योर स्ट्रैटेजी। तो पाकिस्तान डेफिनेटली इसको रीड करेगा और पाकिस्तान वुड ऑल्सो कम अप विद न्यू स्ट्रैटेजी। अच्छा, जब आप कोई भी डॉक्ट्राइन देते हैं, जैसे कि हमने पहली स्लाइड में पढ़ा, एनी डॉक्ट्राइन विच इज नीडेड और विच यू इंट्रोड्यूस, उसको सपोर्ट करने के लिए यू ऑल्सो नीड टेक्नोलॉजी, यू ऑल्सो नीड मिलिट्री कैपेबिलिटीज। जब तक वो नहीं होंगी आप एक चीज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया ने कहा जी कि हमने पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक्स करनी है। तो सर्जिकल स्ट्राइक्स तब होंगी जब उनके पास राफेल टाइप के जहाज आएंगे, या Su-30 टाइप के मॉडर्न जहाज आएंगे अपग्रेडेड, या फिर उनके पास स्ट्रॉन्ग एयर डिफेंस सिस्टम आएंगे S-400 बरकेट के नाम से। तो जब ये चीजें आएंगी तब जाके वो सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं। अब उन्होंने कहा जी न्यू लैंड वॉरफेयर डॉक्ट्राइन हमने इंट्रोड्यूस करवा दिया है, तो हमने ये ऑपरेशनलाइज करना है पाकिस्तान के लिए। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा उनका? फोर्स मॉडर्नाइजेशन। सो दे आर गोइंग टू मॉडर्नाइज देयर फोर्स। इंडिया इज ऑलरेडी मॉडर्नाइजिंग देयर फोर्सेज, और याद से नहीं चल रहा, बहुत अरसे से मोदी के फर्स्ट टेन्योर से ये चीजें चल रही हैं। दे हैव लॉन्च्ड अ मैसिव मेक इन इंडिया प्रोग्राम इन विच दे आर स्पेंडिंग लॉट ऑफ मनी, बिलियंस ऑफ डॉलर्स टू इन्वेस्ट, एंड यू नो दे आर यू नो इन्वेस्टिंग लॉट ऑफ मनी टू इंडक्ट मॉडर्न यू नो सिस्टम्स लाइक मॉडर्न टैंक्स विच आर यू नो डेफिनेटली रिक्वायर्ड। उसके साथ Su-30 एयरक्राफ्ट ले रहे हैं वो रशिया से, 275 के करीब ऑलरेडी ले चुके हैं वो। इसके अलावा BMD सिस्टम मैंने आपको बताया, S-400 टाइप का राफेल स्टेल्थ फाइटर जेट्स जो है अगले 2-3 साल में पूरे आ जाएंगे, अभी उन्होंने 4-5 ही आए हैं। इसके अलावा दे आर ऑल्सो गेटिंग अपाची हेलीकॉप्टर्स फ्रॉम यू नो अमेरिका, और ये बड़े जबरदस्त हेलीकॉप्टर्स होते हैं, डेफिनेटली ये यूज होते हैं। शायद आगे मैंने दिए भी होंगे, मैं दिखा देता हूँ आपको। तो ये Su-30 जो है इन्होंने काफी सारे ऑलरेडी इंडक्ट किए हुए हैं और बहुत सारे और भी ले रहे हैं ये। दिस इज द बैकबोन ऑफ इंडियन एयरफोर्स बेसिकली। तो एनी ऑपरेशंस व्हिच आर गोइंग टू बी देयर, Su-30 अलोंग विद T-90 टैंक्स, ये उसकी बैकबोन होगा। इसके अलावा जो है वो राफेल जो फाइटर जेट है, ये भी बड़ा जबरदस्त किस्म का इंपॉर्टेंट किस्म का जहाज है। इट कैन कैरी कन्वेंशनल एंड न्यूक्लियर वॉरहेड्स, एंड इट कैन ट्रेवल अप टू यू नो 1800 किलोमीटर डिस्टेंस, यानी कि पाकिस्तान के अंदर जाके कार्रवाई करके किसी भी जगह पे तो ये वापस आ सकता है विदाउट एनी प्रॉब्लम। उसके अलावा मैक्सिमम स्पीड इसकी काफी है, और इसके अलावा दे आर प्लानिंग फॉर 36 राफेल, जो कि कम है, दे नीड मोर राफेल एयरक्राफ्ट। इंडिया को पाकिस्तान के खिलाफ एयर सुपरियोरिटी के लिए चाहिए तकरीबन 42 के करीब स्क्वाड्रंस, जबकि अभी उनके पास 33 स्क्वाड्रंस हैं, यानी कि अभी भी वो 10-12 स्क्वाड्रंस शॉर्ट हैं। यानी कि इन लेमन लैंग्वेज, इंडिया नीड्स मोर 300 to 400 न्यू एयरक्राफ्ट, जो कि अपने MiG-21 या MiG-29 को रिप्लेस करेंगे और उसके बाद नए जहाजों को इंडक्ट करेंगे, तब जाके वो पाकिस्तान के खिलाफ एयर सुपरियोरिटी अचीव कर सकते हैं, यानी कि पाकिस्तान को एयर बैटल में हरा सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान इज क्वाइट कैपेबल। हम लोग ऑलरेडी इन अ प्रोसेस, वी आर इन अ प्रोसेस टू एक्वायर 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट। 15 साल शायद उसमें लग जाएं, लेकिन हम लगे हुए हैं उसमें। प्लस हम अपना जो JF थंडर है, और ऑलरेडी वी हैव गॉट 100+ F-16, तो उनको भी हम अपग्रेड करते रहते हैं। इसके अलावा इंडिया इज एक्वायरिंग मॉडर्न ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स एयरक्राफ्ट। ये क्यों जरूरी होते हैं? ये इसलिए जरूरी होते हैं कि आपने अपने फौजियों को एक जगह से लेकर दूसरी जगह जाना होता है, तो यू नीड क्विक एंड स्विफ्ट यू नो लॉजिस्टिक कैपेबिलिटीज, जिसके अंदर बंदे बिठा के, असला रख के, फ्यूल रख के, लॉजिस्टिक्स रख के आप एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर जाए। सो दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। अपाची मैंने आपको बताया, ये यूज होता है आपके क्लोज ऑपरेशंस के लिए, जब आपने क्लोज सपोर्ट देनी है अपने लैंड फोर्सेस को, टैंक्स को, और अगर आपने क्विक एंड स्विफ्ट ऑपरेशंस करने हैं दुश्मन के खिलाफ, तो यू रिक्वायर अपाची टाइप ऑफ हेलीकॉप्टर्स। और दुश्मन के अगर आपने एयर डिफेंसिस को उड़ाना है, तो ये या रडार्स को उड़ाना है या बंकर्स को उड़ाना है। सो बेसिकली इस तरह का जो जहाज है वो लो फ्लाई करता है रडार से नीचे, और बड़ा पोटेंट किस्म का जहाज है, बड़ा थिक आर्मर है इसका, और इट कैरीज मोर देन आई थिंक 16 हेलफायर मिसाइल्स,
विच इज यू नो वेरी वेरी लीथल मशीन, और इसके बारे में कहा जाता है इट्स अ फ्लाइंग टैंक बेसिकली. सो हैविंग सच टाइप ऑफ कैपेबिलिटीज इन योर आर्मर, यू फील कॉन्फिडेंट एक्चुअली. सो सच टाइप ऑफ डॉक्ट्राइंस नीड सच टाइप ऑफ कैपेबिलिटीज. सो इंडिया इज रिक्वायरिंग ऑल दीज कैपेबिलिटीज. उसके अलावा सर्वेलेंस एंड रिकॉनिसेंस की डोमेन इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि इसको आसान लफ्जों में आपको मैं बताऊं तो इंडिया इज गेटिंग यू नो सच रेडार्स विच कैन डिटेक्ट पीपल फ्रॉम 16 किलोमीटर रेंज. तो ये इन्होंने पहला डिटेक्ट किया, अपना लॉन्च किया था 2013 में, 3 में दे गॉट इट फ्रॉम इजराइल, और इसको इन्होंने कश्मीर के अंदर डिप्लॉय किया. अब रात हो या दिन हो, कोई भी बंदा अगर क्रॉल कर रहा है, चल रहा है, तो ये जो रेडार सिस्टम है इट कैन डिटेक्ट दैट पर्सन, और ये अपनी इंफॉर्मेशन रिले कर देता है स्नाइपर्स को और आर्टिलरी को, तो वो इजीली फिर उसको शूट डाउन कर देते हैं. इसके अलावा दे आर गेटिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजीज लाइक बैटल फील्ड सर्वेलेंस रेडार, ये भी एक मजे की चीज है, इसका भी सेम वही रोल है, इसको भी बैटल फील्ड में आप लगा देते हैं. तो ये क्रॉलिंग लोग हैं या कोई ग्रुप हैं या लाइट एंड कॉम्बैट व्हीकल्स हैं या फिर लो फ्लाइंग हेलीकॉप्टर्स हैं, ये उनको डिटेक्ट करके आपका जो कमांड सेंटर होता है उसको बता देता है, और इजिली यू कैन शूट डाउन. एक और चीज इंडिया ने बड़ी मजे की करवाई इंट्रोड्यूस 2017 में, वो थी वेपन लोकेटिंग रेडार्स. का नाम उन्होंने दिया स्वाथी वेपन लोकेटिंग रेडार्स. इसकी रेंज तकरीबन 50 किलोमीटर के करीब है. करता क्या ये? करता ये है कि जैसे ही पाकिस्तान की तरफ से फायर होता है हमारी आर्टिलरी का, या हमारे रॉकेट लॉन्च होते हैं, या हम मोटर लॉन्च करते हैं, ये उसकी लोकेशन को डिटेक्ट कर लेता है, और इसकी लोकेशन को डिटेक्ट करके ये इंडिया का जो उसका कमांड सेंटर है उसको ये अपनी पाकिस्तान की जो आर्टिलरी की पोजीशन है वो बता देता है, और इंडिया क्या करता है फिर उस पोजीशन पे अटैक करता है. ये बड़ा डेंजरस किस्म की एक चीज उन्होंने ऐड की है, और ये इस चीज की वजह से इंडिया ने पाकिस्तान के तकरीबन 138 के करीब पाकिस्तानी सोल्जर्स को 2018 17 के दौरान पाकिस्तान के फौजियों को शहीद किया हमारे बॉर्डर के ऊपर. तो ये आपको प्रोवाइड करता है एक्यूरेट लोकेशन ऑफ एनिमीज आर्टिलरी, उसके मोर्टर शेल्स या उसके शॉर्ट रेंज रॉकेट साइट्स की. तो इस तरह के जो है तकरीबन ये 99 लोकेशन को स्टोर कर सकता है, और आपकी जो आर्टिलरी है उसको बता सकता है कि जी कहाँ कहाँ पे अटैक करना है. सो बेसिकली इट इज ऑटोमेटिक, और कंप्यूटिंग सिस्टम के साथ पूरा ये लेस होता है, और बड़ी एक खतरनाक चीज जो उन्होंने ऐड की है, जिसकी वजह से हमें काफी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन स्टिल वी यू नो आर ट्राइंग टू काउंटर इट. उसके अलावा एक और चीज जो इम्पोर्टेंट है सर्विलेंस एंड रिकॉनिसेंस में, वो है एवॉक्स, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम्स. ये वो जहाज है जो कि 200 किलोमीटर दूर से कोई भी जहाज आ रहा है या मिसाइल आ रहा है या यूएवी है, अनमैन एरियल व्हीकल यानी कि ड्रोन्स हैं, उनको ये डिटेक्ट कर लेता है, और डिटेक्ट करके ये दैट इंफॉर्मेशन यू नो ये उसको रिले करता है अपने कमांड सेंटर में, एंड देन कमांड सेंटर उसको काउंटर कर लेता है टाइम पे. सो बेसिकली दिस इज ऑल्सो समथिंग वेरी गुड. इसके अलावा मैंने आपको बताया ड्रोन्स की यू नो स्फीयर के अंदर इंडिया इज गेटिंग मॉडर्न ड्रोन्स फ्रॉम इजराइल, और ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं ये ड्रोन. इस वजह से इंपॉर्टेंट है कि इट हैज द एबिलिटी टू कैरी आउट फायर, और इनके पास ना मिसाइल इनके अंदर फिट होते हैं जीपीएस सिस्टम के साथ, डिटेक्ट करके ये अपने टारगेट को एक्यूरेसी के साथ हिट कर सकते हैं. तो इट हैज द कैपेबिलिटी टू फ्लाई इन एयर फॉर 45 आवर्स, जिसकी वजह से इसकी एंड्योरेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और ये फ्लाई भी बहुत हाई ऑल्टीट्यूड पे करता है, रेंज भी इसकी बहुत ज्यादा है. सो बेसिकली ये वो चीजें हैं जो कल को हमारे लिए फाइल लग सकती हैं, हमारे हमें हमें हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है. फॉर एग्जांपल तो कल को इंडिया हो सकता है अपने जहाज ना भेजे, और अपने इन्हीं जहाजों के जरिए से ड्रोन्स के जरिए से पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक कर सकता है. तो अगर हम इसको शूट डाउन भी कर दें तो भी इतना कोई नुकसान तो नहीं है, जिस तरह से उनको एक जहाज लूज करने का होता है या एक पायलट लूज करने का होता है. सो बेसिकली दिस इज अनमैन्ड व्हीकल, तो दे कैन अफोर्ड दैट. इसी सीक्वेंस में इंडिया ने एक और चीज ली हार्पी मिसाइल के नाम से, जो कि शायद मैंने आपको पहले बताई हो, इसराइल से लिया इन्होंने. इट कैन टेक आउट इंडियन रेडार्स, और ये शायद हमने डिस्कस भी किया था इसराइल वाले लेक्चर में. इसी का एडवांस वर्जन है हारोप, इसकी रेंज भी 1000 किलोमीटर है, हार्पी की 500 किलोमीटर थी, और इंडिया ने ये तकरीबन 10 के करीब ऑर्डर किए हैं इसराइल से, और भी करेंगे. नुकसान किस चीज पे हो सकता है इसका? इट कैन टेक आउट पाकिस्तान रेडार साइट्स, स्ट्रेटजिक इंस्टॉलेशन जहाँ पे हमारे मिसाइल्स वगैरह पड़े हुए हैं,
प्लस इट कैन टेक आउट पाकिस्तान आर्म डिपोज, बंकर्स, मिसाइल साइट्स, C4I व्हीकल्स, ठीक है। तो ये वो सारे चीजें हैं जिनको ये दे कैन टेक आउट। अच्छा, एक और बड़ी मजे की कैपेबिलिटीज हैं जो उन्होंने ऐड की अपनी, वो है स्पाई सैटेलाइट्स, जिनको आप ISR कैपेबिलिटीज भी कहते हैं, इंटेलिजेंस सर्विलेंस एंड रिकॉनिसेंस कैपेबिलिटीज, ISR। ये वो कैपेबिलिटीज हैं जो आसमान में उनकी जो सैटेलाइट्स हैं वो उनको प्रोवाइड करती है। रसात 2 का मैंने आपको बताया था, जो कि उन्होंने इसराइल से ली थी 2009 में, एंड इट कैन स्नीक इनसाइड पाकिस्तान फॉर 500 किलोमीटर, और वेदर फ्रेंडली है, डे एंड नाइट यू नो ऑपरेशन कर सकती है, यानी कि पाकिस्तान के अंदर हमारे जो स्ट्रेटजिक इंस्टॉलेशंस हैं, हमारे ट्रूप्स मूवमेंट है या डिप्लॉयमेंट है, मिसाइल साइट्स हैं, उनको ये देख सकते हैं। तो इस तरह की कैपेबिलिटी जब दुश्मन के पास होती हैं तो ऑटोमेटिकली उसके पास एक इंफॉर्मेशन एज आ जाता है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर फाइटिंग अ वॉर। इसके अलावा जो इन्होंने ऐड किए हैं रिसात 2 के अलावा, रिसात 2 बड़ी इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद GSAT-7 है जो कि नेवी के डोमेन में काम करती है, और ये तकरीबन 3 से 4 हजार किलोमीटर का जो फुटप्रिंट है इंडियन ओशन रीजन में, समंदर में, उनको प्रोवाइड करता है। GSAT-7, GSAT-6 इन्होंने लॉन्च किया, एक और मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि इंडियन आर्मी के यूज में है और इसको ये यूटिलाइज कर रहे हैं। और GSAT-7A जो 2018 में ये लॉन्च करने की इन्होंने, इट इज यूज्ड फॉर द इंडियन एयरफोर्स। तो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों के लिए इन्होंने बड़ी मजे की ये सैटेलाइट्स में इनको लॉन्च किया, विच इज डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और इनकी इंफॉर्मेशन एज इंडिया को मिलेगा फ्यूचर में जाके। और पाकिस्तान के पास वी डोंट हैव सच कैपेबिलिटीज, और हम रिलाई अभी भी कर रहे हैं अपने एवॉक्स के ऊपर, हमने जो खरीदे हुए हैं चाइना से या स्वीडन से। लेकिन हमें ये चीजें फ्यूचर में ऐड करनी पड़ेंगी, अगर अदरवाइज इंडिया को हमेशा इंफॉर्मेशन एज रहेगा हमारे ऊपर। जो है उसके अंदर बहुत बड़े लेवल पर ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रहा है। इनिशियली इन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था फिनकास के नाम से, जिसके अंदर वो कह रहे थे कि जी हम अपने फौजियों को बड़ा जबरदस्त किस्म का, उनको उनका बेहतरीन लाइट हेलमेट होगा, लाइट आर्मर होगा, और स्पेशल सूट्स होंगे उनके, नाइट विजन कैपेबिलिटीज होंगी, और राइफल भी उनकी डिफरेंट होगी। तो उसके बाद उन्होंने उस सिस्टम को स्क्रैप किया, क्योंकि इतनी बड़ी फौज थी वो नहीं कर सकते थे उसको सारे को। लेकिन एट द सेम टाइम उन्होंने 2 नए सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाए, जिसके अंदर वो अपने फौजियों के अंदर यही चीजें खरीद के उनको इक्विप करेंगे फ्यूचर में। So they are trying.